अनुपमा में श्रुति का मौत होने वाला है और इन सब का जिम्मेदार एक बार फिर से अनुपमा को ठहराया जाएगा। तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमने देखा जहां एक और अनुज और श्रुति शादी से पहले अपने घर पे पूजा परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से अनुपमा गिव अप करते करते कुकिंग शेफ कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट देती है। तो वहीं अब हम देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में कि आध्या और परी को, यानी कि आध्या के स्कूल में कुछ आतंकवादी गुंडे अटैक करते हैं और दोनों, यानी कि आध्या और परी दोनों को बंदूक दिखाया जाता है और बाकी के जो पेरेंट्स रहते हैं वो बाहर अपने बच्चों के लिए काफी टेंशन रहते हैं। तो जहाँ पे परी के लिए अनुपमा आती है तो वहीं आध्या के लिए श्रुति आती है। बाद में आध्या बहुत ही स्मार्टली गुंडे के आंखों में धूल झोंकते हुए वो परी को लेके भागती है, लेकिन वहीं आध्या का पैर फिसल जाता है, उस वजह से आध्या नीचे गिर जाती है। फिर जब अनुपमा भाग कर जाती है तो वो फर्स्ट आध्या के पास नहीं बल्कि परी के पास जाती है। इससे आध्या को काफी ठेस पहुंचता है। तो श्रुति जो है आध्या की नजर में अच्छी बनने के लिए श्रुति आध्या के पास आती रहती है। तभी गुंडे जो है वो एक्चुअली अनुपमा पे गोली चला रहे थे, लेकिन वो गोली श्रुति को लग जाता है। गोली लगने वजह से श्रुति वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी हालत काफी क्रिटिकल होती है और तुरंत अनुज श्रुति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वैसे अब श्रुति की मौत होगी या नहीं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आध्या इन सब चीज के लिए अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। आध्या अनुपमा को कहती है कि अगर श्रुति को कुछ होता है तो आध्या भी अपना जान दे देगी। वैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सीरियल में डेथ का ट्रैक आएगा, और जैसे कि मराठी और बंगाली सीरियल में मेन लीड का ट्रैक आया था डेथ का, तो इस हिंदी वाले सीजन में ये कयास लगाया जा रहा था कि अनुज का डेथ होगा। तो डेथ ट्रैक तो आया, लेकिन इसमें गोली जो है श्रुति को लगी है। तो अब देखते हैं कि श्रुति की मौत हो जाती है, अगर श्रुति की वाकई मौत होती है तो आध्या और अनुज का क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि श्रुति को अगर कुछ होता है तो आध्या अपना आपा खो देगी। तो देखते हैं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में क्या होता है। वैसा ही हुआ जिस तरह से माया अनुपमा की जान बचाने के लिए ट्रक के नीचे आती है, तो इसमें भी श्रुति अनुपमा को बचाने के लिए अनुपमा के बजाय खुद गोली खाती है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या आपके अकॉर्डिंग श्रुति के मौत का जिम्मेदार अनुपमा ही है? जो भी लगता है कॉमेंट करें, और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो